इनसे मिलिए, ये तो भाई गैंगस्टर तो हैं, लेकिन इन्हें कोई जानता नहीं। ये हैं गुदगुदी, और ये गुदगुदी के गोद लिए भाई रिंगटोन। वसूली भाई, आप तो सब जानते हो किस तरह हम दोनों अंडरवर्ल्ड में अपना नाम बनाना चाहते हैं, बिल्कुल आपकी तरह। लेकिन इससे पहले के सारे धंधे बिल्कुल फेल हो गए। दंगे करने का काम शुरू किया तो दोनों तरफ के लोगों ने हमें पीट दिया, और पैसे वसूलने का काम शुरू किया तो सबसे ज्यादा उधारी हमारी ही निकली, और तो और एक बंदे की फिरौती ली, उस बंदे ने ही आत्महत्या कर ली। वसूली भाई, आपका नाम लेके अब नया धंधा स्टार्ट कर रहे हैं किडनैपिंग का। अपना आशीर्वाद बनाए रखना, और अगर ये काम सही चला ना तो आपको पूरे 125 रुपए की फिरौती चढ़ाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि हमारा किडनैपिंग का काम पापा जैसा हो। इस रिंगटोन की किडनैपिंग करी थी और फिरौती नहीं आई, इसे गोद ले लिया। बस आशीर्वाद दो वसूली भाई। वसूली भाई का आशीर्वाद मिल गया। बधाई हो। वसूली भाई ने आशीर्वाद दे दिया। निकल। भाई का आशीर्वाद तो मिल गया। चलो अब किडनैपर्स वाले कपड़े भी पहन लेते हैं। तू सही कह रहा है रिंगटोन, चल किडनैपर्स वाले कपड़े पहनते हैं। वसूली भाई की किताब का पहला लेसन, किडनैपिंग करना गलत बात है और किसी को भी किडनैपिंग नहीं करनी चाहिए। ये क्या लिखा है इसमें? लेकिन अगर आपके पास पैसों की कमी है और आप दिल से किडनैपिंग करना चाहते हैं तो सिर्फ तभी किडनैपिंग करें। चैप्टर नंबर 2, काफी ध्यान से चुनिए आपको किसका अपहरण करना है। कोशिश करें कि आपका टारगेट कोई अमीर बच्चा हो। गरीब बच्चों का चयन ना करें, क्योंकि अगर उनके घर वालों ने फिरौती नहीं दी तो आपको उन्हें गोद लेना पड़ सकता है। अरे रिंगटोन, तू रो मत, हम अपना एक और भाई नहीं आने देंगे। गुदगुदी भाई, आप ही हो जिसने मुझे अपनों की तरह अपनाया है। कोई और होता तो मुझसे कोई गलत काम करवा रहा होता। तू रो मत रिंगटोन, चुप हो जा, चल अपने अगले निशाने की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 4, एक रुमाल में स्वाद अनुसार क्लोरोफॉर्म डालें और उसे अपने टारगेट को सुंघाएं। अबे रिंगटोन, अब क्लोरोफॉर्म कहाँ से लाएं? आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास क्लोरोफॉर्म नहीं है तो 5 दिन पुराना मोजा भी चलेगा। रिंगटोन, मोजा तो मेरा 15 दिन पुराना, वही निकालता हूँ। oh, no. देख रिंगटोन, चल अपने शिकार की तरफ। अपने टारगेट का छुप के पीछा करो। किडनैप करने आयो? अरे मेरे तो जुखाम हो रखा है, नाक में रीट भरा पड़ा है, देख। एक मिनट, अब कर लो। रिक्शा, रिंगटोन पकड़ इसे, रिक्शा आगे लाओ। बेटा रिंगटोन, रिक्शे में बिठा इसे, रिक्शे में गिर। रिंगटोन अंदर जाके खींच। अंकल चलो जल्दी। अरे सवारी तो बजा दे, जब ही चलूंगा। अरे अंकल चलो यार। अरे सवारी आने दे भाई यार। यार सवारी कहाँ, सवारी आ तो रही है। एक सवारी आ रहा हूँ। और ये पड़ा कैसे है यहाँ पर, ये सरपाई की तरह? आगे जाओ, एक बंदा
मैं एक काम करता हूँ, आगे बैठ जाता हूँ, तुम बैठ जाओ वहाँ। अरे यार कैसी गांठ भाली, मैंने खुद ही खोल ली। पहली बार किडनैपिंग कर रहे हो क्या? हाँ भैया, आपको कैसे पता? 3-4 बार किडनैप हो चुका हूँ। इतनी बार किडनैप होने के बाद ना तुम जैसे नो सकियो की अच्छी तरह से परख हो चुकी है मुझे। ठीक से बांधो। सॉरी 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 भैया। ओह शिट, ओह शिट। काम वाली तो सुंदर है। सुंदर है काम वाली। किडनैप हुआ काम वाली, देख रहा है यहाँ पे। बांक। मैं 5वां चैप्टर पढ़ता हूँ। चैप्टर नंबर 5। कैसे भाई, JBT के पेपर की तैयारी कर रहे हो क्या? तुझसे पूछा क्या? रिंगटोन तू बात करना अपने इसके बाप से। हेलो हेलो, रिंगटोन स्पीकिंग। रिंगटोन? अरे मैडम नहीं लगवानी। काट दिया? और काट दिया तेरे बाप ने? तू भी क्या उससे जान पहचान बढ़ा रहा है, रिश्तेदारी निकाल रहा है? सीधा बोल, उसका बेटा हमारे कब्जे में है। सही बात है। उठाइए ना। हेलो, तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है। फिर किडनैप हो गई हो? फोन दो उसको। ले बात कर अपने बाप से। हेलो, क्यों लड़ साहब, फिर किडनैप हो गए? हाँ पापा, वो बहुत दिन हो गए थे किडनैप हुए, सोचा टाइम निकाल के किडनैप ही हो जाऊं। चुप एकदम, तेरा रोज का ड्रामा हो गया यो। मैंने तेरे खातिर एक पर्सनल किडनैप पे धरना पड़ेगा, तने मैं इस बात छुड़वाता ही नहीं जा। ओह नो, क्या हुआ? मना कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं नहीं छुड़ा रहा, गाली भी बकरे। बात करना गुदगुदी, तू बात कर। मैं बात करूं? अरे भाई साहब, आपको आपकी माँ की कसम है, प्लीज इसे छुड़वा लो, एक बार छुड़वा लो। अरे बताओ कितने पैसे देने हैं? भाई साहब 3 लाख। 300 रुपये? और इसके बहुत ज्यादा है। फोन काट दिया, जैसे मैंने 3 बोला कह रहा 300 तो बहुत ज्यादा है। पापा मुझसे इतने ज्यादा प्यार करते हैं, पिछली किडनैपिंग पे 200 रुपए दिए थे, अब 300 दे रहे हैं। रुक जा, दोबारा बात कर लेते तेरे पापा से। उठाइए ना, उठाइए। अरे भाई साहब सुनो सुनो सुनो, फोन मत काटना, पहले मेरी बात सुन लो। देखो भाई साहब, आपका बेटा भी रोज रोज किडनैप होता है और हमें भी मार्केट में रोज ही किडनैपिंग करनी है, तो क्या 10-15 रुपए पे मनमुटाव करना? डील डन करो, 10-15 रुपए मत देखो, बताओ कितना फाइनल होता है? 200 रुपए दूंगा मैं तो इसकी। 200 बोल रहा है भाई? 200 तो बहुत कम है, थोड़े ज्यादा मांग ले। भाई साहब देखो, 200 तो बहुत कम है, इससे ज्यादा तो हमारा रिक्शा का किराया लग गया आपके बेटे को लाने में। एक काम करो, 275। 200 का मतलब 200? नहीं नहीं, 250। अरे भाई नहीं, कुल 200 रुपये, 200 ओनली। क्या कहना ये बताओ? जब शाम का सूरज ढले तो काली पहाड़ी के पीछे आ जाना, नहीं तो तुम्हारा बेटा खलास। अच्छा ये कहाँ पे है? अरे रिंगटोन है कहाँ ये काली पहाड़ी? तो है पीछे पीछे। अरे कहाँ पे है ये काली पहाड़ी? जी सर, आपकी कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कृपया लाइन पे बने रहे। सर हमें भी नहीं पता काली पहाड़ी तो कहाँ है, हमने एक किताब में पढ़ा था। किताब? अरे कहीं तो मसूली भाई वाली किताब तो नहीं लेके बैठ गए हो? उससे बढ़िया किताब तो मेरे पास है। अरे सर एक काम करो, 100 फुटे वाला रोड है ना, उसमें सीधे सीधे आते जाना, वहाँ पे आपको एक जूस वाला मिलेगा, जूस वाले से लेफ्ट टर्न लेना, उसके बाद सीधे सीधे आते जाना, वहाँ पे आपको एक पान वाला मिलेगा, पान वाले से पूछना गली नंबर 13 कहाँ है, गली नंबर 13 में हम आपको मिलेंगे। अरे तू व्हाट्सएप लोकेशन दे देना यार। अरे सर भेज रहा हूँ आपको व्हाट्सएप लोकेशन। अरे मेम साहब मेरी पगार। अरे छिपकली भाई, तेरी पगार लेके हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं,
ये किडनैपिंग करी है ना हमने, इसके पैसे आ जाने दे, फिर तेरी भी मौज और हमारी भी मौज। अरे मेम साहब, आपने पिछली बार भी बोला था बैंक लूटने जा रहे हैं, पिट पिटा के वापसी आ गए थे। अबे यार कहाँ रह गया तेरा बाप, अब तक नहीं आया। अबे चुप, आ गया इसके बाप का फोन। हेलो। हाँ भैया, मैं लोकेशन पे पहुंच गया हूँ, आप लोग कहाँ पहुँचे? अरे भैया हम भी लोकेशन पे ही खड़े हैं। उनको बोलो हमने हाथ उठा रखे हैं। अरे भैया हमने हाथ उठा रखे हैं, देखो। अरे यार मुझे आगे से यूटर्न ले जाना पड़ेगा, एक काम करो आप लोग आ जाओ यहाँ पे। अरे तो भैया ले लो ना यूटर्न, कौन सा ज्यादा दूर है, और अब तो पेट्रोल भी सस्ता हो गया पूरे 3 पैसे। चलो आता हूँ यार। यार तुमने कितना टाइम लगा दिया, अब सारा दिन थोड़ी खड़े रहेंगे बच्चा लेने के लिए हम। आप एक काम करो, पैसे दो हमें, हमारी बोनी कराओ और अपना बच्चा लेके जाओ यहाँ से। और ये पकड़ो 500 रुपए, मेरे बाकी पैसे वापस करो। खुले तो है नहीं हमारे पास। एक काम करो, तुम ये पैसे वापस करो और इसको अपने पास रखो, मैं नया बच्चा पैदा कर लूंगा। अरे मेरी सुसरी का बुड्ढा हो लिया, पोते खिलाने की उम्र हो रही, बच्चा पैदा कर लूंगा। लाओ आप पैसे तो हम खुले करा के लाते हैं। अरे तुम्हें बोनी करनी होती है ना, तो घर से खुले पैसे लेके चला करो। अबे ओ क्या बोनी क्या खुले लगा रखा है हम दोनों, कैब वाला समझ रखा है क्या? पहली बार कर रहे हैं तो नया समझ के उल्लू मत बना, सीधी तरह से पैसे निकालता है करूं तेरे बेटे का गेम खल्लास। पकड़े गए। पुलिस, पुलिस से तो हम बहुत बच के रहे हैं, और इसकी शक्ल तो हमारी काम वाली छिपकली भाई से मिल रही है। छिपकली नहीं, मैं हूँ इंस्पेक्टर गिरगिट सिंह। छिपकली का तो मैंने भेस बना रखा था तुम्हें पकड़ने के लिए, चलो थाने में। क्या लगता है गुदगुदी और रिंगटोंग जेल जाने के बाद सुधर पाएंगे? कमेंट करके हमें जरूर बता।